Assalamu alaikum dear students, welcome to software engineering. This is week 9 lecture number 1, and in the first topic we will discuss about the introduction to the project management. कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, किस तरह मैनेज करते हैं हम किसी प्रोजेक्ट को. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारे पास ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस को कहते हैं, जो कि इसमें हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं 5 P's. एक हमारे पास है पीपल, प्रोसेस, प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट है मेरे ख्याल से, क्या है इसको हम देखेंगे. तो हमारे पास जो 2 एंड्स होने चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वो हमारे पास या तो इंस्पिरेशन होने चाहिए या हमारे पास ऑपरेशन. ऑपरेशन सबसे बेस्ट है, मतलब ये कि जब हम सॉफ्टवेयर बनाएं तो एट द एंड वो ऑपरेशनेबल हो, यानी वो ऑपरेट कर सके. ठीक है, इंट्रोडक्शन फंडामेंटल्स. व्हाट इज अ प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट क्या है? अ प्रोजेक्ट इज अ टेम्पररी एंडेवर undertaken to create a unique product or service. मतलब यही है कि आपके पास एक यूनिक सर्विस या कोई खास स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड कर सके. एक यूजर है, उसकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है या उसकी जो फंक्शनलिटीज है उसको आप फिलफिल कर सके और एक एग्जीक्यूटिबल फाइल बना सके. क्लियर है? वन टाइम नॉट रूटीन्स. प्रोजेक्ट्स हमारे पास वन टाइम प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं. लिमिटेड फंड्स टाइम हो तो मे बी सिंगल पेज और मल्टी लेवल पेजेस, यानी अगर आपके पास इंक्रीमेंटल डिलीवरी है तो उसमें आपके पास प्रोजेक्ट वन टाइम में भी बना सकते हैं, मल्टीपल पेजेस में या मल्टीपल टाइम्स में बना सकते हैं. स्पेसिफिक रिसोर्सेज यूटिलाइज. जो सॉफ्टवेयर होता है तो इसमें हमारे पास प्रोजेक्ट जो है वो सोर्स यूटिलाइज को स्पेसिफाई करता है स्पेसिफिक. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोजेक्ट है वो आपके पास क्या है, उसकी रिसोर्सेज यही है कि उसके लिए 3-5 GB रैम होना चाहिए, प्रोसेसर 2.4 कोर प्रोसेसर होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें उसके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि उसके रिसोर्सेज क्या होंगे, कितने नंबर ऑफ पीपल्स आपको चाहिए, सिंगल और मल्टी पर्सन्स और मल्टी लोकेशन टीम है. मल्टी लोकेशन टीम ये, अगर आप इस तरह की प्रोजेक्ट बनाए जो कि रिमोटली एक्सेसिबल हो, रिमोटली भी उस पर काम हो सके. ठीक है, अच्छा, प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले प्लानिंग ज़रूरी है. किस तरह हम प्लानिंग करते हैं, फिर उसकी हम कंट्रोलिंग को देखते हैं. कंट्रोलिंग के बाद हमारे पास है मॉनिटरिंग है, उसके बाद कंट्रोलिंग इज रिक्वायर्ड है कि अगर आप उसको कंट्रोल करते हैं तो यूजिंग रिमोटली आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं या आप उसको उसी टाइम किसी पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर, किसी पार्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं. स्पेसिफिक डिलीवरीज है, इस तरह हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास मल्टीपल मॉडल्स है, हर एक मॉडल्स के अपने अपने डिलीवरेबल्स हैं. कि अगर आप लोग स्पायरल मॉडल को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके रिस्क एनालिसिस हम किस तरह करेंगे. अगर आप लोग वाटरफॉल मॉडल को यूज़ करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें फिर हम चेंज नहीं कर सकते. तो जो सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट है या जो प्रोजेक्ट डिवेलपमेंट है वो हर एक मॉडल्स के साथ साथ वेरी होता जाता है. कि अगर आप जो मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो उसी मॉडल्स के फिर सारे एक्टिविटीज़, उसी मॉडल्स के सारे स्टेप्स जो है वो फिर आप लोग फॉलो करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट हमारे पास क्या है कि नॉन रूटीन टास्क आर इन्वॉल्व, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. ठीक है, प्लानिंग हमारे पास होने चाहिए. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी मेड और स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स टू बी क्रिएटेड. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन से पहले, प्रोजेक्ट क्रिएशन से पहले आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स है वो स्पेसिफाइड होने चाहिए, वो अंडरस्टूड होने चाहिए. यानी स्टार्टिंग में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एट द एंड मैंने कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, उसकी फंक्शनलिटीज़ को क्या होगी, कौन कौन से सर्विसेज वो प्रोवाइड करेगा. तो ये स्टार्ट पे आप लोगों को पता होना चाहिए. इसमें ये होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल एक टीम है तो टीम डिवाइड कर ले कि कौन जो है रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करेगा, फिर उसी रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन के बाद फिजिबिलिटी स्टडी कौन प्रोवाइड जो है परफॉर्म करेगा. फिजिबिलिटी स्टडी के बाद हमारे पास जो अंडरस्टूड रिक्वायरमेंट्स आएंगे तो उसकी डिज़ाइन कौन सा टीम उसकी डिज़ाइनिंग बनाएगा,
डिजाइनिंग के बाद कोडिंग के साथ लिंक करना, फिर टेस्टिंग करना, फिर वेरिफिकेशन करना, फिर उसको रन करना, फिर रनिंग के बाद जो है उसके जो मॉडिफिकेशन है या उसकी जो लुक आफ्टर जिसको हम कहते हैं, तो वो कौन सा टीम जो है परफॉर्म करेगा। तो ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट क्रिएशन से पहले ही डिसाइड हो जाती है। द प्रोजेक्ट हैज़ अ प्री डिटरमाइंड टाइम स्पेन, उसमें हमारे पास वो माइलस्टोन्स है जो हमने डिस्कस किए थे कि माइलस्टोन्स हम रख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आफ्टर वन वीक कितना काम, कितना परसेंट जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, आफ्टर वन मंथ कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। तो ये माइलस्टोन हम रख देते हैं, फिर उसी माइलस्टोन्स के साथ हम जो है वेरिफिकेशन करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को टैली करते हैं कि अगर मैंने ये कहा था कि आफ्टर 10 डेज जो है हमारे पास 30% जो है प्रोजेक्ट डेवलप होना चाहिए, तो फिर हम आफ्टर 10 डेज हम एक जो है टीम बना देते हैं, वो वेरीफाई कर देते हैं, एक टेस्ट ले लेता है कि या वो देख लेता है कि कितना जो है सॉफ्टवेयर कंप्लीशन के लिए कितना डेटा हमने कलेक्ट किया, उस पर कितने कितने ऑपरेशंस हमने जो है परफॉर्म किए हैं, और उससे हमें पता चल जाता है कि आए जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमारी है वो या तो स्लो है या एवरेज है या स्पीडी है। पीपल आर परफॉर्म इनटू अ टेम्पररी वर्क ग्रुप टू क्रिएट आउट अ टास्क, इसमें हमारे पास कुछ टीम या कुछ पीपल इस तरह होंगे जो टेम्पररी होंगे, जो किसी हम उसको कोई स्पेसिफिक टास्क प्रोवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करना है तो किसी टीम को हम ये जस्ट वन टास्क असाइन करें कि आप इसी सॉफ्टवेयर के मुताबिक जितने भी रिक्वायरमेंट्स है कस्टमर के वो कलेक्ट करके जो है सबमिट करवा दें। तो ये आपके पास टेम्प्रेरी पीपल्स भी इसमें होंगे, परमानेंट्स भी होंगे। वर्क इज कैरिड आउट इन सेवरल पेजेस, मुख्तलिफ पेजेस में हम काम करेंगे कि अगर फॉर एग्जाम्पल स्पायरल मॉडल की मैंने जिस तरह बात की, अगर स्पायरल मॉडल हम यूज़ करेंगे तो उसमें एट अ टाइम आप कलेक्शन भी करेंगे, मॉडिफिकेशन भी आपके पास होगी और साथ साथ में वहाँ पर आप लोग डेटा को कलेक्ट भी करेंगे, ठीक है। द रिसोर्स दैट आर अवेलेबल फॉर यूज ऑन द प्रोजेक्ट आर कंस्ट्रेंट, उसमें हमारे पास जितने रिसोर्सेज होंगे तो रिसोर्स कंस्ट्रेंट भी आपके पास होंगे, कितने रिसोर्स अवेलेबल है, कितने आपके पास रिक्वायर्ड है। बाज़ रिसोर्स इस तरह होंगे जिसको आप लोग बाय करेंगे, बाज़ रिसोर्स इस तरह होंगे जो फ्री होंगे। तो ये सारे चीज़ें आपके पास प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक में आती है। द प्रोजेक्ट इज़ अ लार्ज और कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें आप प्रोजेक्ट में देखेंगे। अब मैनेजमेंट क्या है, इससे पहले हमारे पास था प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट के ये कैरेक्टरिस्टिक थे। अब मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट हमारे पास होती है प्लानिंग के जरिए, डिसाइडिंग व्हाट इज टू बी डन, कि क्या हमारे पास हो चुका है। ये आपके पास क्या है, प्लानिंग है, आप प्लानिंग करेंगे या व्हाट विल बी डन, क्या हम करेंगे, व्हाट विल, यहाँ पर आप लोग ये डिसाइड करेंगे प्लानिंग में कि प्रोजेक्ट हमारे पास कौन क्या करेगा, किसका क्या काम होगा, तो एट द एंड हमारे पास कोई कौन सा प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास जो है प्रोवाइड होगा। ऑर्गेनाइजिंग, मेकिंग आर्गुमेंट्स, ठीक है, मेकिंग अरेंजमेंट सॉरीज के आप ऑर्गेनाइजिंग करना है तो ऑर्गेनाइजेशन, या जब आप कोई पार्टी या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करें तो उसके लिए फिर हमारे पास क्या है, मल्टीपल अरेंजमेंट्स होती है। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी हम फिर मल्टीपल अरेंजमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल मीटिंग को कंडक्ट करना, यानी रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करने के लिए एक मीटिंग हम कंडक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिहाज से जितने भी अरेंजमेंट्स होंगे वो एक ऑर्गेनाइजिंग टीम जो है वो ऑर्गेनाइज करेगी। इसी तरह स्टाफिंग है, नो सेलेक्टिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब और फॉर द जॉब, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग एम्प्लॉइज को हायर करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक टीम चाहिए जो कंसिस्ट हो डेवलपर पे, जो कोडिंग में मास्टर हो, तो इसी तरह आपको जो है एक स्टाफ की एक स्टाफ होगी जो सेलेक्टिंग करेगी, जो न्यू फैकल्टी को हायर करेगा। इसी तरह डायरेक्टिंग होगा, गिविंग इंस्ट्रक्शन, जो माइलस्टोन को क्रिएट करता है कि आफ्टर 10 डेज इतना काम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में हमारे पास आती है। इस तरह मॉनिटरिंग है, चेकिंग ऑन प्रोग्रेस पे एक आपके पास मॉनिटरिंग वाली टीम होगा जो उसी ओवरऑल प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेगा। इस तरह कमिंग अप व्हाट न्यू सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास मैनेजमेंट में आती है। रिप्रेजेंटेटिंग या रिप्रेजेंटिंग
ये फॉर एग्जाम्पल डेवलप हो गया तो फिर किसी तरह क्लाइंट को किस तरह आप लोगों ने जो है रिप्रेजेंट करना है, यूजर्स को, डेवलपर को, तो ये सारी चीज़ें आपके पास मैनेजमेंट में आती है। द मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ हमारे पास फोर पीस है। द फर्स्ट वन इज पीपल, यानी इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फोकस ऑन फोर पीस इन ऑर्डर। इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपके पास चार पीस होने चाहिए। इस चार पीस से मुराद आपके पास सबसे पहले पीपल्स होने चाहिए। तो पीपल क्या है कि स्टेक होल्डर है, तो आपके पास अगर स्टेक होल्डर नहीं है तो आप प्रोजेक्ट को मैनेज नहीं कर सकते। द टीम लीडर्स आपको चाहिए।